हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 11 अगस्त 2021। तो 11 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल तथा प्रत्येक दिन के करेंट अफेयर्स का वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको वहां बिल्कुल फ्री में मिल सके। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड लायन डे हाल ही में कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 10 अगस्त को, यानी कल के दिन पूरे विश्व में शेर दिवस मनाया गया है। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस जानवरों के राजा और उनके संरक्षण के किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उनके साहस, बुद्धि, शक्ति और भव्यता के कारण शेर अक्सर राष्ट्रीय ध्वज और शाही प्रतीकों तथा संस्कृतियों में आदेश, शक्ति या अधिकार दर्शाने वाले प्रतीकों पर प्रदर्शित होते हैं। विश्व शेर दिवस 2013 में शुरू किया गया था। उस वर्ष से लेकर आज तक, यानी कल के दिन जो 2021 में मनाया गया है, मनाते आया जा रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व शेर दिवस। शेर माना ही जाता है एक पावरफुल प्रतीक के रूप में, इस वजह से राष्ट्रीय ध्वज, शाही प्रतीक, इन सभी जगहों पर इसका प्रतीक शेर का लगा हुआ रहता है। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि इसी के द्वारा खास करके मनाया जाता है बाघ संरक्षण को लेकर। इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, तथा इसका सीईओ वर्तमान में ब्रूनो ओवेरले जी हैं, तथा जूलियन हक्सले यहाँ के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज 2016 के अनुसार पैंथेरा लियो की दो उप प्रजातियां हैं, पैंथेरा लियो और पैंथेरा लियो पर्सिका, जो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। यह दो बड़े बिल्ली परिवार का, मतलब एक टाइगर है, शेर है, इसको मतलब दो भागों में, दो पैंथेरा, दो उप प्रजाति है। दोनों का नाम हमने यहां पर बता दिया है, जो अफ्रीका तथा एशिया में पाई जाती है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है। तो ये भी दोस्तों कल ही के दिन, यानी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन का विकास स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे योजनाओं के साथ साथ किया जा रहा है। विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। क्या है जैव ईंधन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जिसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगा। इसे नवीकरणीय बायोमास संसाधनों के माध्यम से बनाया जाता है और इस प्रकार सतत विकास के लिए एक मजबूत स्थिति बनाता है। इस तरह के जैव ईंधन प्रक्रिया में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 21वीं शताब्दी की दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। तो इतना बात हम लोग जान लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के फैसला के अनुसार नीरज चोपड़ा, जो कि हाल ही में भाला फेंक कर विश्व टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनके, यानी नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तारीख को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है।
या भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के फैसला के अनुसार यह दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाएगा, तो यह दिवस कब मनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीत लिया है, वो भी 7 अगस्त को। इसी वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह इमेज में नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने ही हाल ही में यह यानी गोल्ड मेडल जीत लिया भारत के तरफ से, जो ओलंपिक चल रहा था इसमें 7वें मेडल यानी गोल्ड मेडल के रूप में जीता है, तथा अन्य 6 मेडल जीता गया है जिसमें 4 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल तथा 2 सिल्वर यानी रजत पदक है, तथा 1 ही मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल। इनके जीत के बाद जो भारत में आए तो इनको कई रूप से सम्मानित किया, जैसे कि हरियाणा राज्य के द्वारा इन्हें 6 करोड़ रुपया तथा अन्य 1 राज्य द्वारा 2 करोड़ रुपया तथा एक और अन्य राज्य द्वारा 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया गया है। आईपीएल में एक टीम के द्वारा भी 1 करोड़ रुपया इन्हें देने का दावा किया गया है, ऐसा फैसला लिया गया है आईपीएल के एक टीम द्वारा, तथा और अन्य कई बीसीसीआई द्वारा भी 1 करोड़ देने का ऐसा न्यूज सामने आया है, तथा ऐसे महिंद्रा एजेंसी के मालिक भी एक अपना एक्सयूवी कार देने का निर्णय लिया है। तो ऐसे इनको जीत के बाद कई प्राइज मिले हैं, मतलब प्राइज के अनुसार जो हरियाणा में एक एथलेटिक्स फेडरेशन बनाया जाएगा इसको इन्हें इनका मालिक बना दिया जाएगा, तथा इन्हें भारत में फर्स्ट रैंक का मतलब ग्रुप ए का जॉब भी इन्हें दिया जाएगा। तो इतना बात इनको जीतने के बाद ऐसा मिला है, इनके नाम पर भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, कई राज्यों द्वारा लगभग 12 से 13 करोड़ प्राइज मिला है, इसके अलावा एक कार भी मिला है, इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा जो हरियाणा में बनेगा एथलेटिक्स फेडरेशन इसके मालिक, तथा भारत में ग्रुप ए में एक जॉब दिया जाएगा। इतना बात इनको जीत के बाद सम्मान दिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने NCW की अध्यक्षता रेखा शर्मा के कार्यकाल को कितना साल का विस्तार कर दिया है, यानी कितना साल का विस्तार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 3 साल का। यह इमेज में रेखा शर्मा NCW की अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए सेवा में विस्तार कर दिया गया है। NCW मीन्स नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, वह 7 अगस्त 2021 से यानी या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी जल्द से जल्द हो 3 साल के कार्यकाल के लिए काम करेगी। 27 वर्षीय रेखा शर्मा ने पहली बार 7 अगस्त 2018 को NCW की अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन के रूप में पदभार संभाला था, यानी पद ग्रहण किया था। रेखा शर्मा अगस्त 2015 से एक सदस्य के रूप में आयोग से जुड़ी हुई है और इसके नियमित प्रमुख बनने से पहले 29 सितंबर 2017 से अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला। वह पुलिस कर्मियों के लिंग संवेदीकरण यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन की मुखर समर्थक रही है, क्योंकि वे पीड़ितों के यानी विक्टिम्स के लिए संपर्क का वह पहला बिंदु है। अब चलते हैं, बात हुई NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है जो आम तौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाला सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था। जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है, आयोग के पहले प्रमुख जयंती पटनायक थे, 30 नवंबर 2018 तक रेखा शर्मा अध्यक्ष थे, तथा बाद में इन्हें 3 साल के लिए अब 2021 से नया कमीशन के रूप में भी फिर से 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का यह है लोगो, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था, हमने बता भी दिया यहां पर, तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, तथा इसका वर्तमान कमीशन एग्जीक्यूटिव रेखा शर्मा जी हैं चेयरपर्सन के रूप में, तथा इसका वेबसाइट है www.ncw.nic.in। आप इस पर जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 में
भारतीय सेना के कितने सदस्य की टुकड़ी भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 101 सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय खेला सेनो 2021 का सातवां संस्करण 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक रूस में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 2021 में 11 देशों में आयोजित की जाएगी। 42 देशों की 280 से अधिक टीमें अपने युद्ध कौशल, व्यवसायिकता और जीत के दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए खेल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन को युद्ध ओलंपिक्स के रूप में भी जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल आयोजन है जिसका उद्देश्य देश के बीच सैन्य से सैन्य सहयोग को मजबूत करना और भाग लेने वाले देश के बीच विश्वास करना है। अब बात हुई है भारतीय सेना के बारे में तथा रूस के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेंगे। भारतीय सेना एक भारत की आर्म्ड फोर्सेज है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। अब बात हुई रसिया के बारे में, तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। यह है विश्व मैप में रसिया एक बहुत ही बड़ा देश है तथा यह एक एशिया तथा यूरोप में दोनों में बसा हुआ देश है। इसका कुछ भाग लगभग इतना भाग लगभग यूरोप में पड़ता है तथा अन्य इसका भाग एशिया में पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा भाग इसका एशिया में ही पड़ता है। रसिया का कैपिटल मास्को है तथा यहाँ का करेंसी है रशियन रूबल। यह है रसिया देश का लोगो। इतना बात हम लोग जान लिए इंडियन आर्मी तथा रसिया के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि किरेन रिजिजू। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, जो यह इमेज में किरेन रिजिजू, इन्होंने एससीओ के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में वस्तुतः भाग लिया था। कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी बैठक में शामिल हुए थे। वर्चुअल इवेंट के दौरान रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए अफोर्डेबल एंड इजी न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला है। इस बैठक के बारे में यहां पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब एससीओ के बारे में बात हुई है तो हम लोग एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहायक संगठन। इसका अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो तथा बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी तथा इसका फाउंडर्स था चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान। अब बात हुई है कि इसका हेडक्वार्टर चाइना में है यानी एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना में है, तो चाइना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह चाइना देश का लोगो। यह है वर्ल्ड मैप में चाइना। यह भी एक बहुत बड़ा देश है। यह ईस्ट एशिया में पड़ने वाला एक देश है जिसकी राजधानी है बीजिंग तथा यहाँ का करेंसी है रेनमिनबी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाला पहले भारतीय पीएम कौन बन गए हैं? तो अभी के लेटेस्ट हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी या यूएनएससी फेस टू फेस डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की खुली बहस यानी ओपन डिबेट की अध्यक्षता की है। इसके साथ ही पीएम मोदी यूएनएससी की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। याद रखना चाहिए कि भारत ने फ्रांस के पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। अब बात हुई यूएनएससी के बारे में तो हम लोग यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं। यूएनएससी यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एक है। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए न्यूयॉर्क में तथा इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यह पहली बार रक्षा करने वाली भारत चीन एलसी ने युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है। 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा को आईटीबीपी बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात किया जाएगा। अब तक आईटीबीपी में महिला अधिकारी चिकित्सा शाख में सेवारत थी या शीर्ष क्षेत्रों में भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देसवाल ने पासिंग आउट परेड और सत्यापन समारोह के बाद अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांड में एंट्री लेवल ऑफिसर रैंक प्रकृति और दीक्षा के कंधों पर डाल दिया है, जहां उन्होंने देश की सेवा करने की शपथ ली। आईटीबीपी ने
यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से 2016 में अपने कैडर में महिला लाखों अधिकारियों की भर्ती शुरू की। अब बात हुई है आईटीबीपी के बारे में, तो आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। अभी वर्तमान में आईटीबीपी के डीजी है एसएस देसवाल। एसएस देसवाल अभी वर्तमान में आईटीबीपी के डीजी है तथा यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को। इसका अभी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में तथा इसका ऑपरेशन जरिडिक्शन इंडिया में है। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठता, वेलर, स्टीड फास्टनेस एंड कमिटमेंट। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा के लिए भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन है। यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना हमने बता ही दिया कि 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ के अधिनियम के तहत 1962 के भारत चीन युद्ध के मद्देनजर के अंतर्गत की गई थी। यह आईटीबीपी का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत। भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करेगा, जो दिन में 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं रहित उपमहाद्वीप यानी सब कंटिनेंट की बेहतर निगरानी की अनुमति देगा। उपग्रह को 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो का GSLV-F10 रॉकेट आखिरकार 2268 किलोग्राम वजनी यानी 2268 किलोग्राम वजन का GSAT-1 कोडनेम E-03 को जियो ऑर्बिट में डाल देगा। यह इस साल भारत का प्रथम उपग्रह का पहला प्रक्षेपण होगा। अब यह इसरो के GSLV-F10 रॉकेट द्वारा किया जाएगा। तो बात हुई है इसरो के बारे में, तो हम लोग इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होता है, जिसकी सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखरेख की जाती है, जबकि इसरो के अध्यक्ष DOS के कार्यकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो के अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए भारत में प्राथमिक एजेंसी है। यह दुनिया के 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं हैं। क्रायोजेनिक इंजन तैनात है, अलौकिक मिशन लॉन्च करते हैं और कृत्रिम उपग्रहों के बड़े बड़े बेड़े का संचालन करते हैं। इसका अभी फाउंडर है विक्रम साराभाई जी तथा इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तथा डायरेक्टर इसके वर्तमान में भी के सिवान यानी कैलाश सवा डिवो सिवान। अभी इसका सब्सिडरी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तथा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, इसके बारे में हम लोग बता ही दिए। इसका वेबसाइट है isro.gov.in। यह है इसरो का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल। गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि विजय रूपानी जी हैं, इन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, वाटर एंड ड्रेनेज कंप्लेंट्स, ग्रीवांसर रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण, भवन अनुमति और आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल है। गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 162 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों सहित कुल 170 स्थानों को ई नगर परियोजना के तहत कवर किया गया है। अब बात हुई गुजरात के बारे में, तो हम लोग गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में गुजरात। यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज्यादा गुजरात में है तथा यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत जी यहाँ का राज्यपाल है, विजय रूपानी जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा 182 विधानसभा सीटें हैं।
यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क तथा मारिन नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को कितने अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 300 मिलियन डॉलर की। एडीबी ने जो कि मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित एडीबी ने ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और दूरदराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अतिरिक्त वित्त पोषण का उपयोग राज्य के 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए 230 पुलों के सुधार के लिए किया जाएगा। अब बात हुई है एडीबी तथा महाराष्ट्र के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला शहर में स्थित ओर्टिगास सेंटर में है। कंपनी एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का भी रखरखाव करती है। बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग और गैर क्षेत्रीय विकसित क्षेत्रों के सदस्यों को स्वीकार करता है। अपनी स्थापना के 31 सदस्यों से एडीबी अब 68 सदस्य है। मतलब स्थापना के समय एडीबी के 31 सदस्य थे, बाद में मतलब अब तक 68 सदस्य हो चुके हैं। इसका मोटो है एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग ए प्रोस्पेरस इंक्लूसिव रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी इसके लीडर है मस्ट सुगु असाकावा। इसके अभी स्टाफ है 3092 स्टाफ हो चुके हैं तथा इसका सब्सिडी है एशिया डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट तथा अन्य कई सब्सिडी भी हैं। इसका हेडक्वार्टर तथा फाउंडेड कब फाउंड किया गया था इसके बारे में हम लोग पढ़े लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम लोग महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। यह भारतीय राज्य में महाराष्ट्र मैप, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तथा यहाँ का भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर है। उद्धव ठाकरे यहाँ का सीएम है। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं तथा 288 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल विधान परिषद की भी सीट है। यहाँ पर 78 विधान परिषद है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क तथा चंदौली नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नई पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इनप्रिंट पफिन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें प्रियंका पंच पांडे के चित्र है। सुधा मूर्ति अंग्रेज और कन्नड़ में से एक विपुल लेखिका हैं। उन्होंने उपन्यास, तकनीकी किताब, यात्रा वृत्तांत, लघु कथाओं और गैर काल्पनिक टुकड़ों के संग्रहों और बच्चों के लिए 4 किताबें लिखी है। उनकी पुस्तकों का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सुधा मूर्ति को साहित्य के लिए आरके नारायण और 2006 में पद्मश्री और 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एक और नई पुस्तक द अर्थ स्पिनर लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अनुराधा राय। यह इमेज में अनुराधा राय, इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर नामक एक पुस्तक पुरस्कार विजेता उपन्यासकार अनुराधा राय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में राय ने एलेंगो कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क जिसे एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण, जटिल और असंभव प्रेम रचनात्मक के लिए अपने जुनून और छोटी छोटी हिंसा से उलट पलट हुई दुनिया को आज की समय से विशेषता है इस पर ध्यान केंद्रित करती है। जो इस समय का उलट पुलट दुनिया हो गई इस पर ध्यान करती है इनका बुक द अर्थ स्पिनर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्ध नायक कोमोडोर कासरगोड गोपाल राव का निधन हो गया है, इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी महावीर चक्र। 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कोमोडोर कासरगोड पटाना सेटी गोपाल राव, ये इमेज में है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वीर इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था पहले भी,
राव वीर सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अब बांग्लादेश है, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के तरफ से लड़े थे, यानी अब जो बांग्लादेश हो गई है, पश्चिम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के रूप में अभी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी, जो काकोरी में ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी हुई थी उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, यह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी का नाम रिनेम करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या था यह नाम चेंज किया गया है? क्या काकोरी ट्रेन रॉबरी को या काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम जो चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्या था काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, इसके बारे में सभी फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द काकोरी ट्रेन एक्शन वाज ए ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस ऑन 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को यानी ब्रिटिश शासन काल में ही काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, मतलब कॉन्स्पिरेसी हुआ था जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में एक्शन रख दिया गया है। द ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस इन काकोरी ए विलेज नियर लखनऊ, एक काकोरी गांव में यह रॉबरी हुआ था, जो कि यह एक छोटा सा गांव है जो कि लखनऊ के नजदीक में यानी उसके बगल में ही पड़ता है। द रॉबरी वाज प्लान्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह खान हु बिलोंग टू द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA से बिलोंग करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल तथा एक खान जी थे जिन्होंने इस प्लान का रॉबरी का प्लान किया था, यानी यार लूट कर ले जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो यह HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ही, यानी भारत के लोगों के द्वारा ही जानबूझकर राम प्रसाद बिस्मिल और खान जी के द्वारा यह प्लान किया गया था रॉबरी का। द HRA वाज एस्टैब्लिश्ड टू कैरी आउट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इंडिया को स्वतंत्र होने के लिए HRA की स्थापना की गई थी एक क्रांतिकारी एक्टिविटी के रूप में ब्रिटिश एम्पायर से छूट के लिए, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए। द ट्रेन रॉबरी वाज प्लान्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड मनी फॉर द परचेज ऑफ वेपनरी, भारत में जो इसके HRA के मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में जो ब्रिटिश सेनाओं से लड़कर तथा ब्रिटिश सरकार से लड़कर हम जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वर्तमान भारत में मौजूद थे, उनसे लड़ने के लिए वेपन खरीदने के लिए उस लूट को किया गया था, मतलब इस लूट को राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा करवाया गया था। उसके बाद इस लूट से कई वेपन्स खरीदे गए, उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लूट कर अंततः कई प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो ही गया था। तो इतना बात काकोरी रॉबरी के बारे में हम लोग जान लिए। काकोरी रॉबरी का यह नाम उत्तर प्रदेश द्वारा रिनेम करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ट्रेन एक्शन। तो इसके बारे में हम यूपी के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में यूपी तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आनंदी बेन पटेल जी यहाँ का गवर्नर है तथा योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 100 विधान परिषद है जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है जिसका नाम है दुग्धवा नेशनल पार्क। अब हम लोग आज का 15 क्वेश्चन के बारे में डील कर लिए, अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि सी, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि हमने डिटेलिंग में पिछले तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया है कि नीरज चोपड़ा के नाम पर ही 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, यह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा निर्णय लिया गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही मालदीव के समान वाटर विला होंगे? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बन जाए। आशा करता हूँ आप कल के
क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में पूरी अच्छी तरह से दिए होंगे और आज का जवाब भी आप पूर्ण तरह से दे पाएंगे। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।